बसपा बसपा सपा की सरकारें चलती थी, तब राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर किसी को यूनिवर्सिटी बनाने का याद आया था क्या? आया था? बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? योगी आदित्यनाथ जी ने मोदी जी के हाथ से राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी बना दी और कासगंज, एटा, हाथरस और अलीगढ़ के 100 से ज्यादा कॉलेजों को जोड़कर हमारे युवाओं की पढ़ाई लिखाई की हमेशा के लिए व्यवस्था करने का काम किया। आप मुझे बताइए कि बहन जी की और अखिलेश की सरकारें थी, गुंडे परेशान करते थे या नहीं करते थे? भाई जोर से बोलो, करते थे या नहीं करते थे? ये पुलिस जो है ना, वो गुंडों से डरती थी, भागती थी। पूरे देश में पुलिस से गुंडे डरते हैं, उत्तर प्रदेश में माफियाओं से पुलिस डरती थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, 5 साल में माफिया पलायन कर गया उत्तर प्रदेश के बाहर। आज पूरे उत्तर प्रदेश में माफिया ढूंढते हैं तो 3 ही जगह पे दिखाई पड़ता है। एक तो जेल में दिखाई पड़ता है, दूसरा उत्तर प्रदेश के बाहर दिखाई पड़ता है, और तीसरा अगर माफिया ढूंढना है तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की सूची में देख लीजिए, वहां पर भी दिखाई पड़ता है। मुझे बताओ, ये लोग उत्तर प्रदेश का भला कर सकते हैं क्या? अगर माफियाओं का राज गया तो मोदी जी, माफियाओं का राज रहा तो मोदी जी जो डिफेंस कॉरिडोर अलीगढ़ में लेकर आए हैं, जिसमें लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आना है, वो डिफेंस कॉरिडोर में कोई इंडस्ट्री लेकर नहीं आएगा। आएगा बताओ आप, आएगा क्या?